हेलो स्टूडेंट्स, वी आर ऑन आवर ज्योग्राफी अगेन। हम सिविक्स कंप्लीट कर चुके हैं, हम जो है वो इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी आर ऑन द चैप्टर फोर्थ, क्लाइमेट। ज्योग्राफी का चैप्टर फोर्थ और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, पर हम इसे ईजी करके पढ़ेंगे और इंटरेस्टिंग करके भी। सो लेट्स डिस्कस वेरी फर्स्ट द इंट्रोडक्टरी टॉपिक ऑफ दिस लेसन, मीन्स वट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेसन। इस लेसन में हम बेटे क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले उस लेसन के जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में एक आइडिया हमारे दिमाग में होना चाहिए कि इस लेसन में है क्या। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ क्लाइमेट, जो कि आप पढ़ते आए हैं क्लाइमेट क्या है, और वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, सेकेंड हम ये पढ़ेंगे। फिर क्लाइमेट को बनाने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, क्लाइमेटिक कंट्रोल्स कौन से हैं जो क्लाइमेट को निर्धारित करते हैं, किन चीज़ों से मिलकर क्लाइमेट बना है, इन सिंपल टर्म वी कैन से। एंड फोर्थ फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, और उसके बाद बीइंग ए सिटीजन ऑफ द कंट्री इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे कि फैक्टर कौन से हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, यानी भारत का क्लाइमेट किन फैक्टर से, किन तत्वों से, किन बातों से प्रभावित होता है। फिफ्थ टॉपिक हमारा रहेगा इंडियन मॉनसून, भारत में मॉनसून का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। उसके बाद मॉनसून का आना और मॉनसून का जाना, देन सीजन ऑफ इंडिया, भारत में कितने सीजन्स पाए जाते हैं, आप शुरू से पढ़ते आए हैं छोटी क्लास से ही, मेनली फोर सीजन्स हैं। उसके बाद वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, और सबसे अच्छी बात है बेटा आजकल मौसम चल ही रहा है रेनफॉल का, तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस फिनोमिना वेरी easily and in an interesting way. So let's very first we will discuss what is climate. So तो क्लाइमेट क्या है, what is climate? ये आप बचपन से ही सुनते आए हैं, क्लाइमेट तो बच्चे कहते हैं जलवायु। जलवायु क्या है, क्लाइमेट और जलवायु कलेक्टिवली क्या है? तो ये जहाँ हम रहते हैं, जिस एरिया में हम रहते हैं, उसके वातावरण की स्थिति, उसके वातावरण में जो है किस तरह के जो हैं वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन पाई जाती हैं, उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। इसमें हम देखेंगे क्लाइमेट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर नियर द अर्थ सरफेस ऑफ एट अ सर्टेन प्लेस ऑन अर्थ। तो क्लाइमेट क्या हुआ बेटा, कैरेक्टरिस्टिक कंडीशंस, वो कैरेक्टरिस्टिक कंडीशंस जो हमारे एटमॉस्फेयर में धरती के आसपास किसी जगह पर, धरती के किसी कॉन्टिनेंट में, किसी देश में, एक सर्टेन प्लेस पर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन पाई जाती हैं, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट। इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। तो ये क्या है कि एक बड़े एरिया में, एक देश में, एक कॉन्टिनेंट में, एक बड़े एरिया में, लॉन्ग एरिया में, एक लंबे समय की वेदर कंडीशंस को बताता है, एक लंबे समय, लॉन्ग टाइम की और लॉन्ग टर्म की। तो लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टाइम में एक लंबे, एक बड़े एरिया, एक लार्ज एरिया की सम के वेदर कंडीशंस की सम टोटल को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या हो गया, बड़े, एक बहुत बड़े एरिया के बहुत लंबे समय तक जो वातावरणीय स्थिति रहती है, जैसी ही वातावरण रहता है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। तो वेदर क्या है, नाउ क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज़ वेदर, सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ वेदर नाउ। Weather refers to the state of atmosphere over an area at any point of time. अब weather है बेटा किसी भी एक area में किसी निश्चित समय पर, point of time पर कैसी atmospheric condition है, means कैसी वातावरणीय स्थिति है, कैसे वातावरण की व्यवस्था क्या है एक निश्चित समय में, जैसे दोपहर में, सुबह में, शाम में, एक घंटे में, जैसे अभी एक घंटे में बारिश हो रही है, अगले एक घंटे में धूप निकल आए, तो पॉइंट ऑफ टाइम पर जो वातावरण की कंडीशन होती है उसे हम वेदर कहते हैं। ये शॉर्ट टर्म कंडीशन है और क्लाइमेट लॉन्ग टर्म है। तो क्लाइमेट और वेदर दोनों सेम है, क्लाइमेट का ही एक सब पार्ट है वेदर। तो ये बने भी सेम चीज़ों से हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी आर ऑन अवर सेकंड टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड कंडीशन। वेदर इज़ द टेम्परेरी कंडीशन ऑफ एन एटमोसफेयर एट अ प्लेस, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म कंडीशन,
इट इज़ ओवर अ शॉर्ट एरिया, ये इसमें थोड़े एरिया थोड़े टाइम के लिए जो एटमोस्फेरिक कंडीशन होती है उसे वेदर कहते हैं, और क्लाइमेट का आपको पता ही है ओवरऑल एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ लॉन्ग पीरियड दैट इज़ क्लाइमेट। सो डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर इज़ मेनली शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म का है, शॉर्ट एरिया लॉन्ग एरिया, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम, दिस इज द डिफरेंस। आफ्टर डिस्कसिंग द डिफरेंस बिटवीन द क्लाइमेट एंड वेदर वी विल ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक मॉनसून। सो मॉनसून क्या है? इंडिया का क्लाइमेट बेटा मॉनसून क्लाइमेट के नाम से जाना जाता है, डिस्क्राइब एज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है एज़ यू नो, और ये मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट सारा साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया क्लाइमेट दैट इट इज़ अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड इंडिया लाइज इन द साउथ ईस्ट एशिया। सो वट इज़ मॉनसून, लेट्स डिस्कस दैट। मॉनसून क्या है? मॉनसून जो है ये अरेबिक वर्ड मौसम से निकला है जिसका लिटरी मीनिंग है सीजन मौसम। मॉनसून जो है वो रेफर टू द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। तो एक साल में पवनों की दिशा में होने वाले परिवर्तन को मॉनसून कहा जाता है। मॉनसून शब्द को दर्शाता है कि हवाओं के अंदर जो परिवर्तन आते हैं उनको। द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इंटू ए नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन, इसके अनुसार हमने विश्व को बहुत से भागों में बांटा हुआ है। जैसे कि मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में आप पढ़कर भी आए हैं, इसमें टेम्परेट ट्रॉपिकल ये सारे हमने बांटे हुए हैं सीजन्स के अकॉर्डिंग। सो दिस इज़ मॉनसून। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट। सो क्लाइमेटिक कंट्रोल की पूरे विश्व के क्लाइमेट के कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कंट्रोल करते हैं? दैट आर लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर ऑफ विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, और इसी के साथ साथ जो हैं वो हमारे दो और बल हैं, ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। दे आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। तो लैटिट्यूड जो है वो एज़ यू नो कि लैटिट्यूड क्या है बेटा? ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव वेरियस अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है, इसका कर्व आकार है, जिसके कारण कि जो है वो इसको सूरज की रोशनी अलग अलग अमाउंट में मिलती है, अलग अलग मात्रा में मिलती है। जैसे कि आपको पता है 8th क्लास में आपने पढ़ा है इक्वेटर नियर अबाउट द इक्वेटर लाइन द सन रेज फॉल डायरेक्ट स्ट्रेट एंड एज नियर बाय द पोलर दे बिकम स्लांटिंग, सन रेज स्लांटिंग हो जाती हैं, और जिसके कारण स्लांटिंग रेज की में सन की एनर्जी ऑफ द लाइट, एनर्जी ऑफ द हीट दैट डिक्रीज एज कम्पेयर टू द स्ट्रेट रेज ऑफ द सन। तो ये है लैटिट्यूड की, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोलर की तरफ लैटिट्यूडनल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे क्लाइमेटिक फैक्टर बदलते जाएंगे। एल्टीट्यूड ऊँचाई, As one goes from the surface of the earth to higher altitude, that atmosphere become less dense and temperature decrease. उसके बाद ऊंचाई पे भी फ़र्क पड़ता है बेटे। जैसे जैसे हम धरती से समुद्र तल से ऊपर की तरफ जाते जाएंगे डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज होता जाएगा, और इस कारण से टेम्परेचर भी घटता जाएगा, और इस कारण से क्लाइमेटिक फैक्टर भी बदल जाएंगे। क्लाइमेटिक कंट्रोल फैक्टर अल्टीट्यूड इस तरह से प्रभावित करता है। थर्ड है प्रेशर एंड विंड। द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, दस इट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न। तो प्रेशर ऑफ विंड हवाओं की दिशा, हवाओं में दबाव, एयर प्रेशर, वो डिपेंड करता है कि जो है एल्टीट्यूड कितना है और जो है लैटिट्यूड क्या है। Altitude and altitude that influence the pressure and wind and also that define the temperature and rainfall of an area. उस एरिया के टेम्परेचर और रेनफॉल को भी डिफाइन करता है। इसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जो एरिया, ये अपने बेटा बार बार मैं 8th क्लास का जिक्र इसलिए करती हूँ कि अभी आप रिसेंटली पढ़ कर आए हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द सी भी आपने साइंस में पढ़ा होगा, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, ऐसे में पढ़ा होगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी क्या बताता है? कि जो एरिया समुद्र के पास होता है वहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, ना गर्मी ना सर्दी। और जैसे जैसे हम समुद्र से दूर जाते जाएंगे, इंटीरियर इंडिया में आते जाएंगे, जैसे हमारा पंजाब हरियाणा है वहाँ पर आते जाएंगे, वैसे वहाँ आते आते हमारे जो है वो टेम्परेचर में फ़र्क पड़ता जाएगा। गर्मियों में बहुत गर्मी और सर्दियों में बहुत सर्दी, कॉन्टिनेंटल टेम्परेचर हो जाएगा। तो फैक्टर समुद्र का जो पास होना, समुद्र का निकट होना
डिस्टेंस फ्रॉम द सी के समुद्र से कितनी दूरी है, ये भी एक फैक्टर है दैट अफेक्ट द क्लाइमेट। नेक्स्ट हमारा है ओशियन करंट। ओशियन करंट में समुद्री धाराएं, अगर किसी जगह के पास से, कोस्टल एरिया के पास से गर्म धाराएं, वार्म और कोल्ड करंट्स बहते हैं, मींस गर्म जल धाराएं बहती हैं या ठंडी जल धाराएं बहती हैं, उसका प्रभाव भी उस जगह के क्लाइमेट पर पड़ेगा। आपके घर के पास कोई नहर है या आपका घर किसी तालाब के नहर के पास है, तो वहाँ से ठंडी हवाएँ आती हैं, आपको महसूस हो सकती हैं। पर अगर आपका घर किसी फैक्ट्री के पास है, तो वहाँ धुआं और पोल्यूशन, गर्मी हवाएं आती हैं, जिसके कारण कि आपको गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। यही है ओशियन करंट्स का भी, कि अगर किसी का कोई प्लेस वार्म ओशियन करंट के पास है, यानी गर्म जलधाराएं उसके आसपास बहती हैं, तो वहाँ के टेम्परेचर, कहाँ के क्लाइमेट पर प्रभाव पड़ेगा। और अगर वहाँ आसपास ठंडी जलधारा बहती है, तो उसका क्लाइमेट पर असर दूसरे तरीके से पड़ेगा। नेक्स्ट है रिलीफ धरातल। धरातल मरुस्थलीय धरातल है, मैदानी भाग है, पहाड़ी है। रिलीफ फीचर्स दैट ऑल्सो डिफाइन द क्लाइमेट दैट आर माउंटेन टाइप ऑफ क्लाइमेट रिलीफ फीचर है, या फिर प्लेन एरिया है, सरफेस एरिया है, या फिर जो है वो प्लेट्यू हैं, दैट ऑल्सो डिफाइन द फीचर ऑफ द क्लाइमेट। सो दीज आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द ओवरऑल क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द वर्ल्ड, पूरे अर्थ की क्लाइमेटिक कंडीशंस को जो डिफाइन करते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड विच फैक्टर दैट अफेक्ट इट। नाउ लेट्स डिस्कस दैट।